Okay friends, so now we are going to discuss about diffusion in detail. Let's start. So I'll begin with a definition. What is diffusion? It is movement of solvent solute gases ions atoms or molecules from higher concentration to lower concentration till it becomes equal at both sides through selective permeable membrane. तो ये देखिए, ये है डेफिनेशन डिफ्यूजन की. डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से एग्जैक्टली अपोजिट होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है, लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है. तो क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब लिक्विड मतलब पानी, सॉल्यूट मतलब पानी के अंदर जो भी मिला हुआ है वो, ठीक है. सो डिफ्यूजन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट होना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट इवन दो गैसेस एंड आयंस एटम एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इट बिकम्स इक्वल. जब तक दोनों साइड इक्वल क्वांटिटी नहीं हो जाती तब तक डिफ्यूजन होते रहता है. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डिफ्यूजन. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट आयंस एटम्स मॉलिक्यूल एंड गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इट बिकम्स इक्वल एट बोथ द साइड. जब तक दोनों साइड समान नहीं होता है, इक्वल नहीं हो जाते, तब तक डिफ्यूजन होते रहता है. और डिफ्यूजन में कौन सा मेम्ब्रेन होता है, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन होता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ये कैसा मेम्ब्रेन है जो सिलेक्ट करता है चीजों को कि कौन सी चीज मूवमेंट करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं. यस, जस्ट इमेजिन दैट आई हैव वन क्लोज जार सिस्टम. मेरे पास एक जार है जिसमें दो कंपार्टमेंट है और दोनों कंपार्टमेंट के बीच में जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन है हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. हमारे पास ये देखिए, हमारे पास एक क्लोज्ड जार असेंबली है और असेंबली में ये दो कंपार्टमेंट है और उसके बीच में एक मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. ये वाला मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. अब हम देखते हैं ये साइड जो क्वांटिटी है वो है बेसिकली 75% और ये साइड जो क्वांटिटी है 25%. अब इसके अंदर सॉल्वेंट सॉल्यूट गैसेस आयन मॉलिक्यूल एटम ये सब चीजें हैं, ठीक है. तो होता क्या है, देखिए 75 में से मूवमेंट होगी, किसकी मूवमेंट होगी, इन सभी चीजों की मूवमेंट होगी. और मूवमेंट कब तक होगी, जब तक इस साइड 50% और इस साइड 50% ना हो. मतलब ये 75 में से 25 इस तरफ चला जाएगा और ये साइड भी 50% रहेगा और ये साइड भी 50% रहेगा. जब तक ये दोनों साइड इक्वल नहीं होते तब तक गैसेस आयन एटम सॉल्वेंट सॉल्यूट ये सभी की सभी चीजें मूवमेंट करती जाएगी हायर टू लोअर की तरफ. फिर से एक बार सुन लीजिए, वी हैव वन क्लोज्ड जार असेंबली इन विच देर आर टू कंपार्टमेंट.
in one compartment there is a 25% concentration and another compartment there is a 75% concentration. So the quantity which is at the 75% concentration is higher. So out of 75%, 25% will move towards 25%. Means out of this 75%, 25% will move towards this side, which is already 25%. So this 25 plus this 25 will become a 50. And this side also 50, this side also 50. So both the side it will be the equal quantity, 50-50. And what kind of a movement takes place? Movement takes place in diffusion are solvent, solute, gases, ion, atom, molecule, etc. etc. Now, one question I would like to ask you. How many types of movement takes place during diffusion? ठीक है, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के टाइम में कितने प्रकार की मूवमेंट होती है. ठीक है, तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल कितने प्रकार की मूवमेंट दिखाते हैं. अवर क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. दिस इज डिफ्यूजन एंड ड्यूरिंग डिफ्यूजन हाउ मेनी टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्ट वन इज यूनिपोर्ट, सेकंड वन इज सिंपोर्ट and third one is antipode. तो अभी आप ये देखिए, पोर्ट का मतलब होता है, पोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट. ठीक है, पोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट. मूवमेंट इन द सेंस आप ऐसा कंसिडर करो, पोर्ट का मतलब होता है डायरेक्शन. तो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं. यूनि मीन्स सिंगल, पोर्ट मतलब डायरेक्शन, यूनिपोर्ट मतलब सिंगल डायरेक्शन, सिंपोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन, सिमिलर डायरेक्शन, एंटीपोड मतलब अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, मैं आपको अब समझाता हूं. अब आप देखिए यहां पे 50 यहां पे देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास कितना कॉन्सेंट्रेशन था, ये साइड 25% और ये साइड 75% कॉन्सेंट्रेशन था. तो अगर मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम कौन सी डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसे क्या कहेंगे हम, यूनिपोर्ट मूवमेंट. ठीक है, और अगर कुछ मॉलिक्यूल, मान लो एक मॉलिक्यूल है वो आगे की तरफ ही जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे यूनिपोर्ट. लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल हैं और वो साथ में जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपोर्ट. मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इन सिंगल डायरेक्शन इट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट. सिंगल मॉलिक्यूल मूव्स इन सिंगल डायरेक्शन इट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट. सिंपोर्ट, टू मॉलिक्यूल मूव्स एट द सेम टाइम इन अ सेम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड सिंपोर्ट. व्हाट इज एंटीपोर्ट, तो आप देखिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल है. ठीक है, एक ये छोटे वाले मॉलिक्यूल है और एक ये बड़े वाले मॉलिक्यूल है. तो क्या होगा, ये जब दोनों आगे की तरफ जाएंगे तो छोटे मॉलिक्यूल जो है उनको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्शन के लिए परमिशन दे देगा और वो छोटे मॉलिक्यूल आगे की तरफ चले जाएंगे. और ये जो बड़े मॉलिक्यूल है वो यहां पे टकराने के बाद वो फिर से रिटर्न आ जाएंगे. तो क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल ऐसे आगे आएंगे, छोटे वाले मॉलिक्यूल इस तरफ चले जाएंगे और बड़े वाले मॉलिक्यूल उसके अपोजिट चले जाएंगे. तो जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अपोजिट में जाते हैं तब उनको कहते हैं एंटीपोड. जब दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में साथ में जाते हैं तब हम उनको कहते हैं सिंपोर्ट. और जब एक मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाता है तब हम उसे कहते हैं यूनिपोर्ट. देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग डिफ्यूजन. यूनिपोर्ट, मूवमेंट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इन सिंगल डायरेक्शन. सिंपोर्ट, मूवमेंट ऑफ अ टू मॉलिक्यूल इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन. एंड मूवमेंट ऑफ अ टू मॉलिक्यूल इन अपोजिट पोल, इन अपोजिट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एंटीपोड. तो ये वाले हो गए मूवमेंट के टाइप. अब हम एक चीज, मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं. डिफ्यूजन प्रेशर
डिफिसिट क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ये तीन चीजें क्या है अब आप पहले क्लियरली समझ लीजिए. व्हाट इज एक्चुअली डिफ्यूजन प्रेशर, पहले आप डिफ्यूजन प्रेशर समझ लीजिए. ठीक है, पानी का जो फ्लो होता है ना, स्पीड पानी का जो फ्लो होता है, उस फ्लो को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर. अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं. मेरे पास दो ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास में सिर्फ पानी है, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट है, लेकिन दूसरे ग्लास में सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन है मतलब उसमें सॉल्वेंट भी है पानी, और दूसरा सॉल्यूट भी है, मतलब उसमें घुलने वाली चीज. आई हैव टू ग्लास, इन अ वन ग्लास देयर इज ओनली वाटर मींस सॉल्वेंट, बट इन अनदर ग्लास देयर इज अ वाटर प्लस सम अदर मटेरियल लाइक अ सोडियम क्लोराइड NaCl. सो वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड NaCl एक्ट एज अ सॉल्यूट. सो इन फर्स्ट ग्लास देयर इज ओनली वाटर, इन सेकंड ग्लास देयर इज अ वाटर प्लस सॉल्यूट. सो नाउ इफ आई फ्लो दिस वाटर, द स्पीड ऑफ दिस वाटर विल बी वेरी फास्टर, बट इफ आई फ्लो दिस वन, द स्पीड ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी स्लोअर कंपेयर टू दिस, बिकॉज इन अ फर्स्ट ग्लास देयर वॉज ओनली प्योर वाटर एंड प्योर वाटर हैव अ डिफ्यूजन प्रेशर वेरी हाई, बट when you are adding some solute in water, its diffusion pressure becomes low. So what is diffusion pressure deficit? Difference between pure water and solution is called diffusion pressure deficit. Kya hota hai diffusion pressure deficit? Diffusion pressure deficit can be defined as it is nothing but the difference between diffusion pressure of a pure water and diffusion pressure of a solution. It is called diffusion pressure deficit. मतलब आप एक साइड पानी को फ्लो करते हो और एक साइड सोल्यूशन को फ्लो करते हो, तो पानी स्पीड में फ्लो होता है, पानी स्पीड में आगे जाता है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो स्पीड में आगे नहीं जाएगा. तो सिंपल सा मतलब यह होता है कि डिफ्यूजन प्रेशर नॉर्मल पानी का सबसे ज्यादा होता है और सोल्यूशन का मतलब नॉर्मल पानी से ज्यादा होता है. So, अगर नॉर्मल पानी को फ्लो करते हो तो वो काफी स्पीड में बहेगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन को फ्लो करोगे तो स्पीड में नहीं बहेगा. तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल पानी में डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज अ डिफरेंस ऑफ अ डिफ्यूजन प्रेशर बिटवीन नॉर्मल वॉटर मीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. ये था हमारा पॉइंट डिफ्यूजन. मैं फिर से आपको एक मिनट में पूरा समझा देता हूं. डिफ्यूजन कैन बी डिफाइन एज इट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट गैसेस आयंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इट बिकम्स इक्वल. जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होते तब तक डिफ्यूजन होते रहता है, इन सभी मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है. नाउ बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ अ मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के समय तीन प्रकार के मूवमेंट करते हैं ये मॉलिक्यूल, और वो होते हैं यूनिपोर्ट सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट. यूनिपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इन सिंगल डायरेक्शन, सिंपोर्ट मूवमेंट ऑफ अ टू मॉलिक्यूल इन अ सेम डायरेक्शन, एंटीपोर्ट मूवमेंट ऑफ अ टू मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर बिटवीन द नॉर्मल वाटर मीन्स प्योर वाटर एंड अनदर साइड इज सॉल्वेंट. तो प्योर वाटर और सॉल्वेंट के बीच में जो गैप होता है फ्लो होने का, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट. डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज ऑल्सो नोन एज अ सक्शन प्रेशर, SP, सक्शन प्रेशर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन.